आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रॉयंस ब्लॉग्स पर। तो आज हम बनाने वाले हैं पप्पू समोसा की यानी समोसा 05112 का रिव्यू वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हो। तो आज हमने ऑर्डर किया था समोसा प्लेटर। आपने डोसा प्लेटर सुना होगा, चाइनीज प्लेटर सुना होगा, हर तरह का प्लेटर सुना होगा, पर कभी समोसा प्लेटर नहीं सुना होगा। तो ये एक्सक्लूसिव खाली मिलता है समोसा 05112 यानी पप्पू समोसे वाले। जो कानपुर वाले तो जानते हैं, पर आप लोग अगर बाहर से हो तो आप लोग जब भी कानपुर आओ तो यहाँ जरूर आओ। तो स्टार्ट करते हैं। हमने ऑर्डर किया था समोसा प्लेटर। ये हमारा समोसा प्लेटर आया है और ये मुझे पड़ा है 140 का और एक चीज डिप मिली है 20 रुपीज की। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको खोलना। तो ये हमारी ग्रीन और रेड चटनी। तो अब हम निकालते हैं समोसे और देखते हैं, ये डिप भी निकाल के देखते हैं कैसी है। तो अब देखते हैं। तो ये जगह पूरे कानपुर में फेमस है और अब हम डालते हैं समोसे। समोसे डाल के देखते हो, ये जगह पूरी कानपुर में फेमस है यानी कानपुर के हर लोग जानते हैं इस जगह को। तो ये अले रेड ग्रीन येलो ऑरेंज ग्रीन मिक्स सब तरह के समोसे हमारे तैयार हैं। तो आप ये देख सकते हैं मेरी समोसे की प्लेट है, ये पूरी प्लेटर आई है 6 समोसे का। तो ये हमारी डिप है जो हमें पड़ी है 20 रुपीज की, आप देख सकते हैं। और ये ऑरेंज, ये रेड ग्रीन ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये ग्रीन ऑरेंज मिक्स, और ये प्लेन, और ये मरून। तो इतने समोसे हम लोग को मिले हैं 140 रुपीज में जो प्लेटर है। तो अब हम लोग रिव्यू टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा है ये। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ग्रीन ऑरेंज मिक्स वाला कैसा है ये। पता नहीं कौन सा है ये, 6 तरह के मिलने थे। ये हमारा है पंजाबी पनीर समोसा, देखते हैं। ठीक है, अब हम टेस्ट करेंगे ऑरेंज और ये खाली ऑरेंज वाला। खुश है समोसे। ये है हमारा नूडल समोसा, आप देख सकते हैं नूडल समोसा, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं ये नूडल समोसा, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। हम टेस्ट करके बताते कैसा है। ठीक है, ये मेन नूडल्स का स्वाद आ रहा है जो बिल्कुल वो किनारे नुक्कड़ वाले जो चाउमीन वाले नहीं होते उनका जो चाउमीन का स्वाद है बिल्कुल सेम डिटो स्वाद आ रहा है। एक बाइट और लेंगे आप देखिए। तो अब हम ट्राई करने वाले हैं ये ऑरेंज ग्रीन मिक्स वाला। ये है हमारा शायद, ओ हो चीज समोसा है, आप देख सकते हैं इतना चीज है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा चीज। ओहो, आप समोसे को दबा के देखिए, अरे नहीं यार बहुत ज्यादा चीज है इसमें। तो अब इसको हम चीज डिप के साथ ही टेस्ट करके बताते हैं आपको। अमेजिंग, मुझे अब तक इन 3 समोसे में से ज्यादा समोसा ज्यादा अच्छा लगा, रियली बहुत ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली, कभी आप अगर वहां खाए भी तो प्लीज यही वाला खाए। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपने तो देख ही लिया, देखे कितना चीज है। एक बार आपको पास से दिखाता हूँ शॉट, आप देख सकते हैं कितना चीज। ओहो, पानी आ गया मुंह पे। तो अगर ऐसे रिव्यू और देखना चाहते हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो, प्लीज सब कर देना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग आते हैं रेड वाले पे। तो रेड वाला शायद मेरे हिसाब से
ये पता नहीं चल रहा क्या है। ये हमारा पास्ता समोसा है, एक्चुअली पास्ता है। पास्ता समोसा आप देख सकते हैं, अंदर पास्ता भरा हुआ है। तो एक बार आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पास्ता। अब आप टेस्ट करके बताइए। ये मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें बिल्कुल चौमिन वाले का ही स्वाद आ रहा है, बिल्कुल सेम डेटो। बस आप सोच सकते हैं पास्ता और चाउमीन में कोई फर्क नहीं, तो बस शेप का फर्क होता है। तो मुझे ये खास पसंद नहीं आया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब प्लेन समोसा पे आते हैं। पहले ये प्लेन समोसा, इसमें कोई कलर ऊपर से या टोपी कुछ नहीं लगाया गया। तो अब देखते हैं इसको टेस्ट करके, देख सकते हैं। अब मैं आपको पास से दिखाता हूँ, इसको भी हम टेस्ट करेंगे चीज के साथ। ये भी अच्छा है, बाकी सब मसाले समोसे से जो रेगुलर मैं खाता था उन सबसे तो अच्छा ही लग रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मरून समोसे था। तो आप देख सकते हैं इसमें मरून कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब देखते हैं कौन सा है। अगेन दिस वन इज पास्ता वन, ओ दिस वन इज ऑल्सो पास्ता वन, शायद उनसे गलती हो गई होगी। चलिए अब यह वाला भी पास्ता शायद अलग फ्लेवर हो। या फ्लेवर इज डिफरेंट, कलर एक ही था पर आप देख सकते हैं कलर एक ही है पर स्वाद अलग है। दिस वन इज मोर स्पाइसी आई थिंक सो, आप देख सकते हैं। या दिस वन इज मोस्ट स्पाइसी, तो अब बात करते हैं कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा था। सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगा ये फर्स्ट नंबर पे जो हम लोगों ने लिया था, पंजाबी पनीर समोसा। एंड इसको तो भूल ही नहीं सकते, चीज वन। तो ये तो मेरा बिल्कुल इटालियन समोसा बिल्कुल फेवरेट है। एंड मसाला वन मुझे ठीक ठीक लगा, पर सबसे ज्यादा अच्छा मुझे लगा चीज वाला इटालियन समोसा। तो आप अगर मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। और ऐसे रिव्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो बने रहो। वैसे ये सब मैंने ऑर्डर किया है पप्पू समोसा से, यानी समोसा 0512 जो कानपुर में फेमस। तो कनपुरियो एक बार हाई फाई दे दो और लाइक ठोक दो इसी बात पे। तो अगली वीडियो पर हम मिलते हैं आपके साथ ये रिव्यू वाली वीडियो में। तो तब तक बाय एंड टेक केयर।